रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध करोड़ों रुपए के गबन का मामला सदर कोतवाली थाने में हुआ दर्ज। सोसाइटी के क्लर्क व सदस्य लोकेश सारस्वत ने न्यायालय में इस्तगासे के जरिए कराया मुकदमा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer. सदर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वैशाली नगर मानसरोवर कॉलोनी में रहने वाले लोकेश सारस्वत ने न्यायालय में इस्तगासा के जरिए हाईलैंड मार्केट पृथ्वीराज मार्ग स्थित रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी केसरिया कॉम्प्लेक्स के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। लोकेश सारस्वत सोसाइटी में सदस्य भी था और क्लर्क के पद पर भी कार्य करता था, जिसने धारा 420, 467, 468, 471, 384 और 120B के तहत कंपनी प्रतिनिधि राहुल दवे और पूजा दवे के विरुद्ध करोड़ों रुपए के गबन का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका अनुसंधान जारी है। देवाराम ने बताया कि सोसाइटी ऊंची ब्याज दरों का प्रलोभन देकर करोड़ों का निवेश कराती थी और जब भुगतान करने का समय आया तो सोसाइटी को बंद कर उसके संचालक फरार हो गए। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। लोकेश सारस्वत, सनोप जीएम सारस्वत, निवासी मकान नंबर 103A103, राजी खुशी, मानसरोवर कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर का रहने वाला है, जो रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड केसरिया कॉम्प्लेक्स हाईलैंड मार्केट PR मार्ग अजमेर में क्लर्क के पद पर वह इस कंपनी का सदस्य था, जिसके द्वारा न्यायालय SAGM नंबर 3-1 अजमेर में इस्तगासा पेश कर एक मुकदमा दर्ज कराया है, जो 420, 467, 468, 384, 471, 120B IPC के दर्ज तहत दर्ज हुआ है, जो कंपनी पदाधिकारी राहुल दबे और श्रीमती पूजा दबे के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। इस सोसाइटी द्वारा लोगों को ऊंचे ब्याज दर देने का झांसा देकर वे लोक लुभावनी स्कीमें बताकर निवेश करवाया गया। वे भुगतान तिथि आने पर अपने सोसाइटी को बंद कर फरार हो गया और इसके विरुद्ध पूर्व में श्रीमती पीना शर्मा है, जिसके द्वारा 2019 में मुकदमा नंबर 294/19 दर्ज कराया था, जो 420 406 में था, जिसका अनुसंधान पूर्व में मेरे द्वारा किया जा रहा था। बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा CO साहब किशनगढ़ के फाइल अग्रिम अनुसंधान हेतु आदेश प्राप्त होने पर वर्तमान में किशनगढ़ CO साहब द्वारा उसका अनुसंधान किया जा रहा है। इनके द्वारा राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी संस्था चलाई जा रही है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर में इसका संचालन हो रहा है, जो एक अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह है। राशि कितनी है? राशि यहाँ आप अजमेर में है इनकी, कम से कम भी 30 करोड़ के लगभग।